कलेक्शन एजेंट से 1,75,000 रुपए लूट का हुआ खुलासा, सीसीटीवी कैमरे से हुआ लूट का खुलासा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरों की फुटेज, 3 लुटेरे गिरफ्तार, 1,75,000 रुपए किए बरामद। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध असलाह भी किए बरामद। कोतवाली रुदौली के रोजा गांव आलियाबाद मार्ग पर हुई थी लूट की घटना। गत दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को थाना कोतवाली रुदौली क्षेत्र में रोजा गांव अलियाबाद रोड पर दोपहर लगभग 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कंपनी का एजेंट जो पैसे की वसूली करके आ रहा था, उसके पास लगभग 1,75,000 रुपये थे। उससे दो बाइक सवारों ने तमंचा दिखाकर, जो अज्ञात थे, अपना मुंह बांधे हुए थे, उनके द्वारा छीन लिया गया। घटना के संबंध में तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। इस संबंध में सीमावर्ती थाना क्षेत्र पटरंगा और कोतवाली रुदौली की पुलिस टीमें अलग अलग गठित की गई। वहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत जो कैमरे लगाए गए थे मोबाइल सर्विलांस के आधार पर, और अन्य वहाँ स्थानीय लोगों की मदद से इस पूरे घटना पर पुलिस ने वर्कआउट करना शुरू किया। 48 घंटे के अनवरत परिश्रम के बाद सफलतापूर्वक पुलिस ने इसमें संलिप्त सभी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की। कुल 3 व्यक्तियों की संलिप्तता इसमें पाई गई। पहला व्यक्ति जो अंकित यादव मोतीगंज चौकी क्षेत्र थाना कोतवाली बीकापुर का रहने वाला था, वो भी इसी कंपनी में काम करता था और उसे जो वादी पीड़ित था उसकी पूरी जानकारी थी। वादी को उसने अपना भी वसूला गया 96,000 रुपये एक साजिश के तहत दे दिया। अंकित यादव ने अपने दो अन्य साथियों के साथ, जिसमें एक अखिल प्रकाश मिश्रा और पुत्र दान बहादुर मिश्रा, दूसरा ब्रजेश पाल पुत्र राम तीरथ पाल, ये दोनों थाना इनायत नगर के निवासी हैं, इनके साथ मिलकर पूर्व नियोजित ढंग से घटना की साजिश तैयार की और रेकी करते हुए ये दो व्यक्ति जो अखिल प्रकाश मिश्रा और ब्रजेश पाल, इन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी पहचान छिपाकर और इस घटना को अंजाम दिया था। घटना में जो भी लूटे गए पैसे थे वो 70% उसकी बरामदगी की गई। जो इनके कपड़े या अन्य जो घटना में प्रयुक्त चीज़ें थी वो बरामदगी की गई। तमंचा भी बरामद किया गया। मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त थी काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल थी, जो अखिल प्रकाश की थी और गाड़ी वही चला भी रहा था। इस गाड़ी का नंबर AUP 42 AW 5755। तो पुलिस ने इसमें संलिप्त सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की और जो भी चीज़ें लूटी गई थी उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की और ये कार्य करते हुए उनके विरुद्ध जो भी विधिक कार्यवाही थी साक्ष्यों के आधार पर प्रचलित कराई गई। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।